15 जनवरी को गोरखनाथ ब्लड बैंक के इतिहास में एक नया अध्याय उस समय जुड़ गया जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ तथा प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह की उपस्थिति में गोरखनाथ ब्लड बैंक पर आधारित एक लघु वृत्त चित्र का लोकार्पण उनके कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। यह लघु वृत्त चित्र ब्लड बैंक के स्थापना काल से वर्तमान समय तक हुए गतिविधियों तथा उपलब्धियों एवं किए गए कार्यों की समीक्षा तथा अपनी यात्रा का वर्णन करता है। इस वृत्त चित्र में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह, गोरखनाथ चिकित्सालय के निदेशक मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी तथा आशीर्वचनों से प्रारंभ होता है। तदुपरांत योगी आदित्यनाथ महाराज के नेतृत्व में लखनऊ, दिल्ली एवं अन्य नगरों से पधारे रक्ताधान के वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त मुख्य विनियामक संस्था औषधि विभाग के औषधि महानियंत्रक भारत सरकार डॉक्टर जी एन सिंह तथा कई अधिकारी एवं राष्ट्रीय रक्त रक्ताधान समिति एवं राज्य रक्त रक्ताधान समिति के ढेरों अधिकारी तथा ब्लड बैंक से संबंधित कुछ कंपनियों के राष्ट्र प्रबंधक एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस वृत्त चित्र में ब्लड बैंक की पूरी कार्य प्रणाली को वर्चुअल रूप से दर्शाया गया। पंजीकरण से आरंभ करते हुए सभी कक्षों का तथा संबंधित उपकरणों का विवरण दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा वृत्त चित्र जो लगभग 10 मिनट का है बड़े एकाग्रचित से अवलोकन किया तथा भूरी भूरी प्रशंसा की। वृत्त चित्र तथा सभी कार्यक्रम को सफलता पूर्वक डॉक्टर अवधेश अग्रवाल द्वारा संचालित किया गया। सारे मान्यों का हम आप लोग यहाँ पर पालन करते हैं। उसी प्रकार जो ये सारे मान्यों का हम आप लोग यहाँ पर पालन करते हैं। उसी प्रकार जो ये हमारा ब्लड बैंक है यहाँ काम करते वाले डॉक्टर और जो अग्रवाल यहाँ कार्यकर्ताओं की तपस्या का फल है, इन लोगों की साधना ही लोगों की तपस्या का फल है कि आज ये लोगों की आवश्यकताओं का पूर्ति कर गोरखनाथ चिकित्सालय में स्थित प्रदेश के प्रथम स्टेट ऑफ आर्ट रक्त कोष के 15 वर्ष होने पर मैं अपने और अपनी टीम को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आप सबके आशीर्वाद